काम वाली, छोले समोसा, चोर का ट्रैप। मधुरा नाम के गांव में पटवारी और बबीता नाम के दंपत्ति को विजय भीम नाम के बेटे और रुक्मिणी निशा नाम के बहू थे। वो सब संयुक्त परिवार के जैसे मिलजुल कर रहते थे, मगर निशा को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था और ऊपर से अगर वो कुछ करती तो उसे पूरी तरह से बिगाड़ के रखती थी। इस वजह से उसे कोई भी रसोई में आने नहीं देता था। एक बार जब पटवारी घर को आया तब निशा उससे, ससुर जी, सासू माँ और दीदी मुझे रसोई में आने ही नहीं दे रहे, वो दोनों ही खाना बना रहे हैं, कम से कम आप तो भी मुझे एक चांस दिलवाइए, बोली पटवारी तब। देखो बेटी, तुम्हें घर में काम करने के लिए किसने कहा? आराम से सीरियल देखो, तुम्हारी सासू माँ और दीदी दोनों खाना बनाएंगे, खुशी से खाकर एंजॉय करो। कहा निशा तब। ससुर जी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, बोली पटवारी तब। देखो, इस घर में तुम और मैं एक जैसे हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो जो भी बनाकर परोसते हैं वो खा लेता हूँ, तुम भी मेरे जैसे रहो, भगवान ने जो टैलेंट हमें नहीं दिया है उसके बारे में सोचकर वक्त बर्बाद क्यों करना। तुम्हें दो तीन बार चांस देकर पूरा परिवार अस्पताल में एडमिट हुआ था, भूल गए? डॉक्टर ने क्या कहा पता है ना? आप लोग चाहे जहर भी पी लो, मगर आपके बहू के हाथों का खाना बिल्कुल मत खाना कहकर बोले थे ना, मैं अब रिस्क नहीं ले सकता, कहकर चला गया। तब निशा अपने मन में, जाइए जाइए, किसी ना किसी दिन मिलोगे ना, तब आप लोगों को मेरा खाना नहीं खिलाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, सोची। ऐसे थोड़े दिनों के बाद पूरा परिवार मिलकर बाहर घूमने जाने लगा तो निशा, मैं घर में ही रहूंगी, बोली। तब सब उसे सतर्क रहने के लिए बोलकर बाहर चले गए। बस तभी नितिन नाम का एक चोर घर में चोरी करने के लिए चुपके से घुसा। निशा को रसोई में समोसे दिखे, उन्हें देखकर निशा अपने मन में, वाह सासुमा, आने के बाद आराम से खाएंगे सोचकर आपने समोसे बनाए, मैं इन्हें फेंक कर आपके आने तक नए समोसे बनाकर रखूंगी, तब मैं आप सबको मेरे हाथों के खाने का जादू दिखाऊंगी, सोचकर समोसे बनाना शुरू की। उसी समय नितिन घर में मौजूद अलमारे में से सारे गहने चुरा कर उन्हें पैक करने लगा। वो सब होने के बाद उसे समोसे की खुशबू आई। इससे वो चोरी छिपे रसोई के पास आकर देखा तो वहाँ पर निशा समोसे बनाते हुए दिखी। ये देखकर नितिन अपने मन में, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कभी समोसे की खुशबू इतनी अलग नहीं आई, लगता है आज मेरा टाइम अच्छा है, बहुत सारे गहने मिले और मेरे पसंदीदा छोले समोसे भी दिखे, मैं इन्हें भी चुरा के खाऊंगा। कहकर हंसने लगा। बाद में निशा समोसे तैयार करके डाइनिंग टेबल पे रखी। उसके बाद वो सासू माँ के बनाए समोसों को फेंकने के लिए उन्हें एक थैली में रखकर घर को ताला डालकर बाहर गई। अब नितिन वहाँ पे मौजूद समोसों को लेकर जल्दी जल्दी खाने लगा। देखते देखते वो सारे समोसे खा गया। थोड़ी देर के बाद निशा आकर देखी तो नितिन बेहोश होकर गिर गया था। ये देखकर निशा मारे डर के भीम को फोन की। अब सारा परिवार घर वापस आ गए। निशा उन्हें समोसे बनाने की बात बताई। ये सुनकर पटवारी, इसे देखकर इस पे तरस खाऊं या हमारे गहने नहीं चोरी होने के लिए खुशी मनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, ये सारे समोसे खाकर हमारे परिवार की जान बचाया, चलिए पहले इसे ले जाकर अस्पताल में एडमिट करते हैं। कहकर वो सब मिलकर उसे अस्पताल में एडमिट किए। ऐसे एक महीना बीता। एक महीने के बाद नितिन ठीक हुआ। उसे देखने के लिए भीम और पटवारी दोनों गए। पटवारी से नितिन, साहब चोरी करने के लिए आने वाले पे आप इतनी दया दिखा रहे हो, वैसे भी समोसे खाए तो पेट में बड़े बड़े पत्थर कैसे बनेंगे, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब। पटवारी, भाई मेरे इंसानियत का राज वही है, मेरी बहू समोसे ज्यादा देर हमारे पेट में रहना है सोचकर उसमें थोड़ा व्हाइट सीमेंट और गोंद भी मिलाई बोल रही थी, जल्दबाजी के वजह से तुम सब खा गए, तुम्हारे पेट में बड़े बड़े पत्थर तैयार हुए, तुम मर गए तो हम पे मर्डर केस लगेगा सोचकर हम डर गए,
हाँ एक और बात, कुछ भी हो तुम हमें बचाने वाले भगवान हो। कहा नितिन तब। आप क्या कह रहे हैं साहब, वो समोसा नहीं पचने के लिए सीमेंट मिलाई क्या? उसमें थोड़ा लोहा मिलाती तो पेट में पिल्लर बन जाता। बाप रे बाप, आप लोग घर में एक कातिल के साथ जी रहे हो, संभल के रहिए साहब। अरे बाप रे, एक और बार आपके घर के आसपास भी दिखे तो मुझे कुत्ते के जैसे मारिए। कहकर वहां से भाग गया।